तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है और उसके लिए और एविडेंस की जरूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इंपैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की जरूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी, या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक, जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयां हैं, वह उस पर विफल हो जाएं, अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है। उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इम्पैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेज आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है या पब्लिक हेल्थ मेजर जो हम ले सकते हैं उनका इम्पैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ सकती है, जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो जो डिजीज़ की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज़ की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को दो देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोस्वाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको दो दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोस्वाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना, ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रिडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है, पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रिडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शस हो। और जो ये वायरस होता है, जहाँ पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफ़ी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट, जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया, जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे ये पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस अगर इस ग्राफ में देखें, तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रिडिक्शन की है,
जिसको फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है, जिसको फर्दर और समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रोन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विजावी डेल्टा एंड बीटा। बट यह एक मॉडलिंग है, इसको और फर्दर समझने की जरूरत है, इसको और एविडेंस के द्वारा हमें इसको एनालाइज करने की जरूरत है। और इसी से संबंध में हम WHO के जो इनपुट्स हैं इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी के बारे में भी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और WHO की जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से RT-PCR टेस्ट इसमें, क्योंकि सीक्वेंस कन्फर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। साथ ही उन्होंने कहा है कि चांसेस हैं कि यह अधिक ट्रांसमिसिबल हो और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी, जो हमारे सेल से बाइंडिंग एफिनिटी है, शायद कुछ अधिक हो, जिससे कि इसको सेल को अटैच होने में एक चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने बताया है कि यद्यपि अर्ली डेटा यह बताता है कि इसका ग्रोथ रेट अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कितना ट्रांसमिसिबल है इसके लिए और एविडेंस की ज़रूरत है। यह काफ़ी अर्ली अंडरस्टैंडिंग है और इसको हमें एविडेंस के बेस पर फर्दर समझने की ज़रूरत है। डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट जित अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रोन की वजह से ही बढ़ा हो, यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेज आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों, तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। इसी के साथ ही WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं, जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो WHO ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही WHO ने यह भी कहा है कि जो हमारा RT-PCR टेस्ट है वह ओमिक्रोन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित RT-PCR टेस्ट होते हैं उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रोन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना इजी हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।